हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं EDK वर्सेस SWU के बीच में जो अगला ECS T10 मल्टा सीरीज का जो मैच होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा बैटिंग ऑर्डर के साथ। कौन से प्लेयर दोस्तों आपको इस मैच के अंदर ओपन करते हुए दिखेंगे, कौन से प्लेयर फर्स्ट राउंड पर खेलते हुए नजर आएंगे, सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बॉलर आपको इस मैच के अंदर कंप्लीट आपको दो ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिखेंगे और किसे आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक कर दें। साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सेलेक्ट जरूर कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा दोस्तों और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको ज़रा भी हेल्प मिलता है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, यहाँ पे ना आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा या फिर आपने अगर अपडेट कर दिया है यूट्यूब तो फिर आपको यहाँ पे मोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो, यहाँ पे ना ज्वाइन करना जरूरी है, आपके हेल्प करने के लिए बनाया गया है, बिल्कुल फ्री ग्रुप है। दोस्तों, अभी हम लोग टीम बनाएंगे ही फॉर्मेशन को देखते हुए, लेकिन हो सकता है कि एक दो प्लेयर आफ्टर टॉस चेंज होगा तो वही टीम में आपको फाइनल टीम के रूप में टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो एक बार जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के नीचे मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जहां आप कमेंट करते हैं दोस्तों, पहला कमेंट पर लिंक आपको पिन कर दिया है, आप क्लिक करके ईजी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टैट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो मैच है शाम 5 बजे पहला मुकाबला और दोस्तों सेकंड मैच आपको शाम 7 बजे आपको देखने को मिलने वाला है। मर्सा स्पोर्ट्स क्लब मल्टा में ये मैचेस होंगे और यहाँ हाई स्कोरिंग पीछे दोस्तों बैट्समैन को काफ़ी बढ़िया सपोर्ट देखने को मिलता है। 60 गेंद का गेम है लेकिन आपको यहाँ पर दोस्तों 110-120 के आसपास एक एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर देखने को आपको मिल जाएंगे। EDK के जो टीम है दोस्तों, 4 मैचेस अभी तक खेला हुआ है, 4 मैच के अंदर अगर आप देखेंगे तो 3 मैचेस में इन्होंने विन करा है और 1 मैच लॉस करते हुए आए हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे दोस्तों SWU की जो टीम है दोस्तों, SWU की टीम अभी तक 2 मैचेस खेला है, पहला मुकाबला इन्होंने विन करा है दोस्तों और सेकेंड मैच में भी 132 का टारगेट दिया था जो कि MTD की टीम चेस नहीं कर पाए थे और यहाँ पर भी विन हुआ है। 2 मैचेस बहुत बढ़िया तरीके से SWU की टीम विन करा है। देखो, दोनों ही टीम ना काफ़ी मजबूत टीम है। चलिए बैटिंग ऑर्डर पर फोकस करते हैं। बसील आपको ओपन करते हुए दिखेंगे दोस्तों और इनका 2 ओवर यहाँ पे लास्ट मैच के अंदर करते हुए आए, उसके पहले मैच के अंदर भी 2 ओवर किया है और अभी तक देखोगे 4 मैच के अंदर टोटल 135 रन प्लस 6 विकेट निकाल चुके हैं। सबसे हाईएस्ट अभी तक स्कोर इन्होंने करा हुआ है दोस्तों और सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स दिया हुआ भी है, तो इनको अपने टीम के अंदर कैप्टनसी के लिए तो इनको ट्राई करना ही है। बाकी अगर आप सेमुअल की बात करते हैं तो 3 मैच के अंदर इन्होंने 71 रन प्लस दोस्तों यहाँ पे 3 विकेट निकाला हुआ है। इनका भी ओपनर बैट्समैन है, बसिल के साथ ओपन करने के लिए आते हैं, तो ये दोनों के दोनों बेस्ट चॉइस रहेंगे दोस्तों EDK की टीम की तरफ से। बाकी अविनाश की बात करेंगे तो फर्स्ट राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 4 रन, फिर 26 रन, फिर दोस्तों यहाँ पे 0 रन स्कोर करा है। 3 मैच के अंदर टोटल देखेंगे तो 30 रन स्कोर करा है। बाकी नितिन बाबू 4 मैच के अंदर देखोगे दोस्तों तो 32 रन स्कोर करा है। टीम का मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, आपको 1 से 2 नंबर पर लगभग बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे और बॉलिंग भी करते हैं दोस्तों, 2 ओवर इनका भी फिक्स रहता है, लेकिन बॉलिंग से अभी तक ना एक भी सफलता इनको मिला नहीं है। लेकिन राइट एम फास्टर गेंदबाज है दोस्तों और फास्टर गेंदबाज को इस ग्राउंड पर सपोर्ट तो मिल रहा है, बाकी बॉलर्स विकेट निकाल रहे हैं लेकिन नितिन बाबू को अभी तक विकेट मिला नहीं है। ध्यान रखना है, ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे, अगर आप लेना चाहते हैं तो सेफ ऑप्शन रहेगा, ले सकते हो। बॉस पॉल की बात करेंगे, 4 मैच के अंदर 18 रन प्लस 4 विकेट इन्होंने निकाला हुआ है, इनका भी 2 ओवर फिक्स रहता है दोस्तों। बैटिंग बहुत नीचे करते हैं तो बैटिंग से थोड़ा कम उम्मीद रखना, बाकी आप इनको एज ए बॉलर अपने टीम के अंदर टारगेट कर सकते हैं। बाकी इनको ड्रॉप करना दोस्तों। बाकी गेगिन की बात करेंगे तो 2 मैचेस खेला हुआ इन्होंने, जहाँ पे 2 रन बना के 2 विकेट निकाले हैं। अजीज जोन की बात करेंगे, 7 नंबर पे खेलते हुए 5 रन स्कोर कर आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। जस्टिन ये अभी तक 2 ही मैचेस खेला है दोस्तों, पहले मैच के अंदर 1 विकेट, दूसरे मैच के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे 1 विकेट मिला है इनको। ध्यान रखना, अगर ये बॉलर खेलते हैं ना तो इंपॉर्टेंट बॉलर है, राइट एम फास्टर बॉलर है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि लास्ट के 2 मैचेस खेलते हुए नजर नहीं आए हैं, बॉलिंग सेक्शन में नजर आएंगे अगर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है।
बाकी रामेश्वरन की बात करेंगे दोस्तों, या फिर रामेश्वरन जो कि 3 मैच के अंदर 9 रन स्कोर करा है, इनका बैटिंग उतना अच्छा है नहीं, देख सकते हैं दोस्तों अभी तक पहले मैच के अंदर फ्लॉप, दूसरे मैच के अंदर फ्लॉप और लास्ट मैच के अंदर ओपन करते हुए 5 रन बनाए थे, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी अमल बाबू या फिर नितिन सन, इन दोनों को ड्रॉप कर सकते हैं, 4-5 नंबर पर खेल रहा है, 0 रन 3 रन पर आउट रहा है, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी जय स्मिथ भी ये राइट आर्म फास्टर गेंदबाज है, पहले मैच के अंदर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट और लास्ट मैच के अंदर 9 रन प्लस 1 विकेट निकाला हुआ है। ओवरऑल देखोगे 4 मैच के अंदर 9 रन बना के दोस्तों 5 विकेट निकाल चुके हैं, ये भी टीम के बहुत बेहतरीन गेंदबाज है, ईडीके की टीम की तरफ से इनको ट्राई कर सकते हैं अपने टीम के अंदर। बाकी अखिल को ड्रॉप करना, विनू एक मैचेस खेला हुआ है यहाँ पे और एक ओवर का गेंदबाजी में 1 विकेट निकाला हुआ है। शरद बाबू ये 2 ओवर का गेंदबाजी में पहले मैच के अंदर फ्लॉप रहा है, दूसरे मैच के अंदर 2 ओवर के गेंदबाजी में यहाँ पे भी फ्लॉप रहा है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक है दोस्तों ईडीके का, ठीक है, ईडीके का रिकॉर्ड है। बाकी स्टार्टिंग ओवर में बॉस पॉल और यहाँ पे शरद बाबू ये दोनों के दोनों स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, जिसमें से बॉस बॉल एक का एक ओवर जो है ना डेथ ओवर पे भी रहता है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी जिस मित्र ये भी आपको डेथ ओवर पे गेंदबाजी करते हुए आपको ईडीके की टीम की तरफ से देख जाएंगे। बाकी ईडीके का रिकॉर्ड है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको लगभग लगभग सेम बैटिंग ऑर्डर इस मैच के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एसडब्ल्यू का अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं तो एसडब्ल्यू की टीम की तरफ से कसिम मोहम्मद आपको ओपन करते हुए दिखेंगे, पहले मैच के अंदर 0 रन, 2 ओवर के गेंदबाजी में ये फ्लॉप रहा था, फिर 23 रन स्कोर करा है। अनिल कादिर की बात करेंगे दोस्तों, ओपन करते हैं, पहले मैच के अंदर 61 रन, फिर दोस्तों यहाँ पे 10 रन स्कोर करा है, तो ये भी ओपनर बैट्समैन है, ये दोनों के दोनों आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे एसडब्ल्यूयू की टीम की तरफ से। बाकी अदनान गुल फर्स्ट राउंड पे खेलते हैं, पहले मैच के अंदर 0 रन, फिर 5 नंबर पे खेलते हैं, 5 रन स्कोर करा, एक ओवर के गेंदबाजी में 2 विकेट निकाला हुआ है। वकार अफरीदी सेकंड राउंड पे खेलेंगे दोस्तों, पहले मैच के अंदर 11 रन बनाए थे, 2 ओवर के गेंदबाजी में 1 विकेट निकाला हुआ है, फिर फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए 74 रन बना के 1 विकेट निकाले। देखो वकार अफरीदी का जिस प्रकार रिकॉर्ड है 2 मैच के अंदर, कैप्टनसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए वकार अफरीदी, तो ध्यान रखना दोस्तों दोनों मैच के अंदर बढ़िया खेला हुआ है। बाकी आप अदन हसन की बात करेंगे तो 0 रन पहले मैच के अंदर, फिर 2 ओवर की गेंदबाजी में 3 विकेट निकाला और लास्ट मैच के अंदर भी 1 विकेट इनको मिला है, ये भी राइट आर्म फास्टर गेंदबाज है। बाकी बिलाल कादिर ये पहले मैच के अंदर 1 विकेट, दूसरे मैच के अंदर भी 1 विकेट निकाले दोस्तों। वहीं हरी कृष्णन की बात करेंगे दोस्तों, पहले मैच के अंदर 4 राउंड पे खेलते हुए 18 रन स्कोर करा है और दूसरे मैच के अंदर 0 रन बनाए थे और 1 ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट निकाला हुआ है। उमर उल्लाह की बात करेंगे दोस्तों, इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। आसिफ शाह ये पहले मैच के अंदर 2 ओवर के गेंदबाजी में फ्लॉप रहा था, दूसरे मैच के अंदर 2 ओवर के गेंदबाजी में 2 विकेट निकाला हुआ है। अरसलन अहमद ये पहले मैच के अंदर फ्लॉप रहा था, दूसरे मैच के अंदर ही फ्लॉप रहा है। बाकी ये सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड है दोस्तों एसडब्ल्यूयू का। बाकी डेथ ओवर पे गेंदबाजी में वकार अफरीदी, बिलाल कादिर और डेथ यहाँ पे दोस्तों स्टार्टिंग ओवर पे आपको ये दोनों गेंदबाज बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप देखेंगे दोस्तों डेथ ओवर पे, तो यहाँ पे दोस्तों अदियन और यहाँ पे आसिफ शाह ये दोनों के दोनों गेंदबाज आपको डेथ ओवर पे गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। तो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं दोस्तों ईडीके का और एसडब्ल्यूयू का, इसमें से आपको जो भी बेटर लग रहा है बैटिंग ऑर्डर पे फोकस करना है आपको और स्टैट्स को फॉलो करना है। कैप्टनसी के लिए तो आपको पता ही है, यहाँ पे दोस्तों बसील को ट्राई करना है कैप्टनसी के लिए, ये चॉइस में रहेगा सिम्बॉल कि ओपन करते हैं, अच्छा प्लेयर है, लेकिन जो सबसे सेफ रहेगा जिनके साथ हम लोग जाएंगे वाइस कैप्टनसी के लिए वकार अफरीदी रहेगा। तो ये सारे स्टैट्स आपके सामने, अगर आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए आप खुद से भी टीम बना सकते हो। हालांकि मैंने आपके लिए यहाँ पर टीम तैयार करके रखा है, एक डेमो टीम, आप टीम देख लें, आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो विकेट कीपर में दोस्तों मैंने एक आदिर को ट्राई किया हुआ है, एक आदिर का रिकॉर्ड आपने देखा है, ओपन करने के लिए आते हैं, तो विकेट कीपर में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ए दिलीप लेट खेलते हैं, इस वजह से इनको ड्रॉप करेंगे और इनका बैटिंग ऑर्डर उतना फिक्स रहता भी नहीं है, तो ए दिलीप को फिलहाल मैं कहूँगा कि आप इनको अगर आप चाहें तो इस मैच के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग के 2 मैच के अंदर फर्स्ट राउंड पर खेला था, 4 रन पर पहले मैच के अंदर आउट, दूसरे मैच के अंदर 26 रन, लेकिन लास्ट मैच के अंदर सेकेंड राउंड पर खेलते हुए 0 रन पर आउट रहा था। तो मैं कहूँगा फिलहाल दोस्तों यहाँ पर एक आदिर को ही ट्राई करो, क्योंकि 2 विकेट कीपर को अगर आप ट्राई करते हैं तो फिर आपको ऑलराउंडर में एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर मिलेंगे, आप उनको मिस कर जाएंगे। तो दोस्तों आप एक ही विकेट कीपर के साथ जा सकते हैं। बैटिंग में 3 बैट्समैन को लिया हुआ है, जिसमें तो बसील आपको पता ही है, बसील आपको ओपन करते हैं, प्लस 2 ओवर फिक्स रहता है, कैप्टनसी के लिए तो ट्राई करना ही है। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्राई किया हुआ है एक और अतिरिक्त प्लेयर, यहाँ पे दोस्तों रामेश्वरन को मैंने ट्राई किया हुआ है, 3 मैच के अंदर 9 रन स्कोर करा है टीम का दोस्तों। ये आपको लास्ट मैच के अंदर ओपन करने के लिए आए थे, जहाँ पे ओपन करते हुए इन्होंने 5 रन बनाया हुआ है। बाकी यहाँ पे एक गुल को मैंने लिया हुआ है एसडब्ल्यूयू की टीम की तरफ से, यहाँ पे अदनान गुल फर्स्ट राउंड पे खेलते हैं, लास्ट मैच के अंदर 1 ओवर के बॉलिंग 2 विकेट निकाले भी थे। तो देखो यहां पे एक खिलाड़ी तो पता चल रहा है, लेकिन आप दूसरा और तीसरा किसको ट्राई करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि दोस्तों यहां पे ना बहुत
मतलब बैटिंग सेक्शन में उतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है नहीं या बसिल को छोड़ के। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास एक दो चॉइस है, अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों सबसे सेफ रहेगा। देखो यूउल्ला का रिकॉर्ड आपने देखा है, यहाँ पे अभी तक बैटिंग बॉलिंग करने के लिए आए नहीं है, तो अगर आप चाहें तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं। और यहाँ पे एच कृष्णन का भी रिकॉर्ड आपको मैंने बताया है, एच कृष्णन को अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा रिस्की रहेगा, लेकिन दोस्तों लास्ट मैच के अंदर इन्होंने खेला भी है बढ़िया। फोर्थ राउंड पे खेलते हुए पहले मैच के अंदर 18 रन स्कोर करा था, दूसरे मैच के अंदर सेकंड राउंड पे खेलते हुए 0 रन बनाए थे, लेकिन एक ओवर का गेंदबाजी में एक विकेट निकाले हैं। तो ये आपके पास चॉइस है, अगर आप चाहें तो एक गोल को अगर आप ड्रॉप करते हैं तो ऐसा स्थिति में एच कृष्णन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चॉइस में आपके पास, तो चलो फिलहाल हम लोग यहाँ पे एच कृष्णन को ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक गोल ध्यान रखना, इनका भी रिकॉर्ड बढ़िया है। अगर आप ऑलराउंडर में देखेंगे तो दोस्तों तीन ऑलराउंडर तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन एन बाबू को मैं ट्राई कर रहा हूँ। एन बाबू ईडीके की टीम की तरफ से देखोगे तो मुझे ये बेटर लगा है। यहाँ पे नितिन बाबू जो कि एक दो नंबर पे बैटिंग भी कर लेते हैं और दो ओवर तक बॉलिंग भी कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप इनको ड्रॉप कर रहे हैं तो काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एदिलीप को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है ना बॉलिंग लास्ट मैच के अंदर एदिलीप का रिकॉर्ड आपको मैंने दिखाया हुआ है दोस्तों, बॉलिंग नहीं करते हैं लेकिन ये बॉलिंग फिक्स है कि करते हुए दिखेंगे। अब रहा बॉलिंग सेक्शन में, तो तीन बॉलर को मैंने लिया हुआ है, बी पॉल ये आपको कंप्लीट ओवर गेंदबाजी करेंगे, बी कादिर टीम के डेथ ओवर गेंदबाज, और जे मिथ्वी को मैं ट्राई करूंगा। बाकी मैं बॉलिंग सेक्शन में कुछ खास ऑप्शन है नहीं। अब रहा देखो यहाँ पे, हाँ एक प्लेयर है जे जासू, अगर ये इस मैच के अंदर खेलते हैं तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। स्टार्टिंग के दो मैच के अंदर ईडीके की टीम की तरफ से खेला था, अगर आपने इन्फॉर्मेशन को देखा है तो आपको पता होगा स्टार्टिंग के दो मैच के अंदर बढ़िया विकेट्स निकाले हैं इन्होंने। अगर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लास्ट दो मैच के अंदर नहीं खेला है तो अभी ड्रॉप करेंगे। अगर ये फिर खेलते हैं दोस्तों तो फिर यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे थोड़ा प्लेयर, ठीक है। अभी फिलहाल टीम प्रीव्यू मेरा कुछ इस प्रकार का है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए दोनों सबसे सेफ है आपके पास ऑप्शन में। यहाँ पे दोस्तों ये स्टैंडर्स रहेंगे जो कि आपके पास आपको पता कि ओपन करते हुए दिखेंगे बसिल के साथ, ठीक है। तो ये मेरे साइड से टीम, अगर आपको एक दो प्लेयर चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हैं, बाकी लाइनअप का वेट करो। अगर मेरे साइड से एक दो प्लेयर चेंज होता है तो फाइनल टीम में आपको अपडेट कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। Thanks for watching. Jai Hind.